हेलो एवरीवन, वेलकम टू रानीज गुड फूड। आज मैं आपके लिए मोमोज की रेसिपी लाई हूँ जो मैं घर पर बनाती हूँ। हेल्दी हैं, आप एक बार ट्राई ज़रूर करना, बहुत टेस्टी और कलरफुल बनते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोमोज के साथ वाइट चीज़ी सॉस भी बनाएंगे, तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। आज हम पनीर भरकर मोमोज बनाएंगे। ये आधा बीट रूट है, मैंने इसका छिलका निकाल कर धोकर इसे बारीक कट कर लिया है। बीट रूट को पीस कर इसका जूस निकाल लेंगे। देखिए, मैंने बीट रूट को थोड़ा सा पानी डालकर बारीक पीस लिया है। अब इसे छन्नी से छान लेंगे। 2 कप मैदा लेंगे, 1/2 चम्मच नमक डालेंगे और ये आटे को बीटरूट के जूस से गूंदेंगे। थोड़ा थोड़ा डालकर अच्छा सा आटा लगा लेंगे। आटे को मैंने मसल मसल कर 5 मिनट तक अच्छे से गूंदा है। अब इसको ढक कर हम फ्रीज़र में 5 मिनट के लिए रखते हैं। आटे के अच्छे से भीगने तक, आटे में ग्लूटन तैयार होना चाहिए ना खिंचा खिंचा, तब तक हम चीज़ डिप बना लेते हैं। आप देख सकते हैं, मैंने पहले से पैन को गरम रखकर 2 क्यूब चीज़ ऐड कर लिया है। 1/4 कप दूध डालेंगे। अब इसमें चीज़ स्लाइस डालेंगे। आप ये डिप सिर्फ चीज़ स्लाइस से भी बना सकते हैं और क्यूब चीज़ से भी बना सकते हैं। मेरे पास दोनों हैं, मैं दोनों यूज़ कर रही हूँ। चीज़ स्लाइस आसानी से मिल जाते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करते हुए पकने देंगे। 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर को मैंने 1/2 कप पानी में मिक्स कर लिया है, ये डालेंगे और इसे चम्मच चलाते हुए पकाएंगे। और ये रेसिपी नॉनस्टिक पैन में ही करेंगे, क्योंकि अगर हम नॉनस्टिक पैन नहीं लेंगे तो चीज़ नीचे से जल जाएगा। देखिए, ये पक गया है। 1 चम्मच चीनी डालेंगे, 2 चुटकी नमक डालेंगे। वैसे चीज़ स्लाइस में थोड़ा सा हल्का नमक होता है। 1/4 चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे, 1/4 चम्मच ओरेगानो डालेंगे। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो यूज़ करें, ना तो स्किप कर दें। मैंने 8-10 पुदीने के पत्तों को लेकर बारीक कट कर लिया है, ये डालेंगे। सब डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बन गया हमारा चीज़ी डिप, आप इसे वाइट सॉस भी बोल सकते हैं। चलिए इसे साइड कर लेते हैं, आटा भीग गया है, मोमोज बनाते हैं। 200 ग्राम पनीर लिया है मैंने और एक बड़े साइज़ की प्याज को बारीक कट कर लिया है। 2 हरी मिर्च को बारीक कट कर लिया है। 1 मुट्ठी हरा धनिए को बारीक कट कर लिया है। ओरेगानो 1/4 चम्मच, 1/4 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1/2 चम्मच नमक। पनीर को इस तरह से मैश कर लेंगे। अब इसमें बाकी के सारे मसाले मिक्स कर लेते हैं और नमक टेस्ट कर लेंगे। ये हो गया है, चलिए इसे साइड कर लेते हैं। आटे को फ्रीज से निकाल लेते हैं। आटे को दोबारा से थोड़ी सी मालिश करेंगे। आटे का छोटा सा पेड़ा लेकर सूखा आटा लगाकर पतली सी छोटी सी रोटी बेल लेंगे। इसके किनारों पर अच्छे से बेलकर पतला करेंगे। अब इसके अंदर हम पनीर भरेंगे। इसको आज हम राउंड शेप में बनाएंगे। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। ये हो गया, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना।
चलिए इसी तरह से मैं बाकी के भी फोल्ड कर लेती हूँ। स्टीम करने के लिए मैंने एक बर्तन में 1 लीटर उतना पानी गर्म रखा है। पानी उबल रहा है, उसी के साइज की छन्नी मैंने उसके ऊपर रखा है। अब इसको हम तेल लगाएंगे। तेल नहीं लगाएंगे तो मोमोज छन्नी को चिपक जाएंगे। चलिए अब इसमें हम एक एक करके मोमोज रख देते हैं। काफ़ी बड़ी छन्नी है, और भी बैठ सकते थे। इसके साइज के ढक्कन से ढक देंगे और 10 से 15 मिनट तक स्टीम करेंगे। ओपन कर लेते हैं। ये हो गए हमारे मोमोज। गैस बंद कर लेते हैं और इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। ये बन गए हमारे टेस्टी से कलरफुल पनीर मोमोज। और ये चीज डिप। रेसिपी पसंद आए तो थम्स अप करें और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसी ही और एक टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।